लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या बात है? अरे क्या हुआ? देखिए फादर, पीटर ने क्या हाल कर दिया हम लोगों का। पीटर क्यों मारा इन लोगों को? मुझसे क्या पूछते हैं फादर, इन लोगों से पूछिए। ये तो मैं सही वक्त पर पहुंच गया, वरना ये सब मिलकर इस औरत और बच्चे को जान से मार देते। ये औरत बच्चा है, नाजायज बच्चा है इसके पास। इससे पूछिए इस बच्चे के बाप का नाम क्या है। हरामजादे, तुझे पता है तेरे बाप का नाम क्या है? पता है? पीटर। फादर,
इसमें इस बेचारी औरत का क्या कसूर है? कसूर तो उस रईस ज़ादे का है जो इसके साथ नाइंसाफी करके इसे दर दर की ठोकरे खाने के लिए छोड़कर चला गया। नमस्ते 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 फादर। नमस्ते भाई पीटर, तुम हमेशा पैसे वालों को ही क्यों दोष देते हो? सेठ जी क्योंकि पैसे वाले होते ही ऐसे। नहीं बेटे, हर पैसा वाला ऐसा नहीं होता। फादर समझा दीजिए इन सब लोगों को, अगर गांव में किसी ने भी किसी पर जुल्म किया तो मैं चुप नहीं रहने वाला। अच्छा मैं समझा दूंगा, अब तुम जाओ यहां से जाओ। देखिए आप लोगों को भी इस औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। खैर अब ले जाओ इन लोगों को हॉस्पिटल, जाइए आप लोग। चलो चलो फादर, आप तो हमेशा पीटर का साथ देते हैं। नहीं भानु प्रताप जी, मैं तो हमेशा न्याय का साथ देता हूं। आइए जी। मेरी जी मम्मी, ये कोई वक्त है कॉलेज से आने का? मम्मी वो स्पेशल क्लास थी इसलिए देर हो गई। जब देखो बहाना बना लेती हो। अरे अभी ये कॉलेज से आई है, इसे किताबें विताबें रखने दो, जा बैठ जा, बाद में पूछ लेना तुम्हें जो कुछ पूछना है। तुम्हारा लाड़ प्यार बिगाड़ देगा इसे। आ गया तुम्हारा लाडला, पूछो इससे क्या गुल खिला के आया है। क्या हुआ बेटा? अरे ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ, गांव में झगड़ा करके आया है, इसके सिवा इसको आता क्या है? हाँ मैं झगड़ा करके आया हूँ और झगड़ा करूंगा, बार बार झगड़ा करूंगा अगर किसी पर भी अन्याय हुआ तो। जानती हो माँ, अगर आज मैं सही वक्त पर नहीं पहुँचता तो वो लोग उस बेचारी औरत को जान से मार देते। अरे तो तूने क्या आखे गाँव का ठेका लिए लिया है? मैंने आखे गाँव का ठेका नहीं लिया है लेकिन इंसानियत का ठेका जरूर लिया है। पीटर इंसानियत की बात करता है, अरे पहले इंसान बन इंसान। ये क्या कर रहे हो बेटा? अभी अभी बाहर से आया है, पहले उसे कुछ खाने तो दो। मेरी किस्मत में खाना कहा है माँ? अरे किस्मत अच्छे कर्म से बनती है, बुरे कर्म से नहीं। अच्छे कर्म कर। जानती है जब मैं गांव से निकलता हूँ तो गांव के लोग क्या कहते हैं? आज आपके बेटे ने उसको मारा, आज आपके बेटे ने उसके साथ झगड़ा किया। भैया सुनो, क्या करते हो, जब देखो डांटते रहते हो। देखा बिना खाए चला गया ना। अरे भूख लगेगी अपने आप आ जाएगा खाने के लिए। पीटर एक बात कहूँ, तुम नाराज तो नहीं होगे? हाँ बोलो। ये तुम रोज रोज मारा मारे क्यों करते हो? तुम भी शब की तरह मुझे भाषण देने लगी हो। हाँ नहीं नहीं भाषण नहीं, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जरा सोचो तो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? तुम्हारे पीटर को इतनी आसानी से कुछ नहीं होने वाला। पीटर समझने की कोशिश करो, घर में बहन बड़ी हो गई है, उसका भी तो रिश्ता करना है। देखो रूपा, रिश्ते इंसानों के करने से नहीं होते, रिश्ते तो ऊपर वाले की मर्जी से होते हैं, किस्मत से होते हैं। शायद मेरी बहन की भी किस्मत में कोई अच्छा सही लड़का लिखा हो। मेरी? ओ मेरी, क्या सोच रही हो तुम? मन के समंदर में डूब के सोचती हूँ तो न जाने क्यों रमेश डर सा लगने लगता है। क्यों, भरोसा नहीं है मुझ पर? मुझे तो अपनी तकदीर पर ही भरोसा नहीं रमेश। कहां तुम सेठ भानु प्रताप के बेटे और कहां मैं एक मामूली सी गरीब लड़की। ओफो मेरी, तुम फिर अमीरी गरीबी की बात करने लगी। अरे मैं अगर किसी दौलतमंद बाप की बेटी से शादी कर भी लूं तो क्या होगा, थोड़ी दौलत और मिल जाएगी। और ये जो प्यार है ना, ये प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। और जब प्यार हो जाता है ना तो दुनिया की कोई भी दीवार उसके सामने टिक नहीं पाती, चाहे वो दौलत की हो या समाज की। तुम्हारी इन्हीं बातों ने मुझे पागल कर दिया रमेश। अरे प्यार का दूसरा नाम तो पागलपन ही है। सच। Hey!
मुझे लगा मैं पुलिस स्टेशन में आया। ले ले, 50 रुपए हो गए, पकड़ा देना लड़के को। हाँ युबे, दूध मिला के दारू बेचती है क्या? अरे नहीं हवलदार साहब, आज के जमाने में पानी पीने को नहीं मिलता तो दूध कहाँ से मिलाऊंगी। हाँ वो भी ठीक है, लेकिन तू 2 नंबर का धंधा करती है। अरे करती नहीं, है ना? नहीं नहीं हवलदार साहब, ये 2 नंबर का धंधा नहीं, ये 3 नंबर का धंधा है। 3 नंबर का धंधा चलेगा, 3 नंबर का धंधा, लेकिन 2 नंबर का धंधा नहीं करना। ड्यूटी पे हूँ, कोई देखना नहीं। अबे मोटे साले देवदास की औलाद, चर्च में घंटा बजाने के बजाय यहाँ बैठ के दारू पी रहा है, फादर का नाम खराब कर रहा है। जय हवलदार, तुम्हें कौन सा नाम रोशन कर रहे हैं जी? गवर्नमेंट की वर्दी पहन को दारू के अड्डे पे घूम रहे ना? अबे मैं हवलदार हूँ, कहाँ भी घूम सकता हूँ। जाऊ ये 30 मार्खा को तुम्हें बता डालो के मैं कौन हूँ। अबे चुप, इसको बता डाल मेरी पावर क्या है। पुलिस स्टेशन ले जाकर 460 वोल्ट चिपका दूंगा। तू मेरे को चिपकाएगा? जय, तुम्हारा जो एसपी है ना, है? वो मेरे फादर का भाई है। तो क्या हुआ? मैं उसको जाके बोल डालूंगा क्या कि तुम्हारी ड्यूटी दूसरी चौकी पे है और तुम्हें मेरी जाऊं के दारू के अड्डे पे आकर दादागिरी कर। दादागिरी? नहीं बताना, नहीं बताना। क्यों नहीं बताना भाई? नहीं बताने के भी दाम लगते। अरे पुलिस वाले से दाम लेते है तू? क्यों, तुम्हें दुनिया का माल खाते, अगर मैं तुम्हारा थोड़ा सा खा लिया तो जन्नत में जाऊंगा ना। क्या है लेकिन वो 50 लाया नहीं इतना पैसा। नहीं कमती नहीं, लाए नहीं तो जाको लेको आओ जी। लाए लेकिन बताना नहीं। नहीं निकाल निकाल जी, किसी को बोलना नहीं है। नहीं और एक बोतल देना। जय रोजाना आना जी, 50 की नोट ले तो। ये क्या जाओ? बाकी के रह गए 30, वो मैं कल दे देना। कल दे दूंगा, आता ना उन्हें। अरे पूरा घर खाली कर दो रे, सब सामान फेंक दो बाहर। हमारा सामान क्यों फेंक रहे हो? ये सब जल्द मत करो, ये सब क्या हो रहा है? ये वही हो रहा है जो होना चाहिए। अरे पेड्रो पास्कल, सामान सब बाहर फेंके रे। ए बुढ़िया, अपना सामान उठा और निकल पड़, वरना काट के रख दूंगा। सर अपना बाप का घर समझ के रह रही है क्या? अरे लफंगे, अगर बाप का नाम
थाम लिया ना तो ये चुटिया काट कर तेरे हाथ में दे दूंगी, समझा? अरे जान मेरी, हाथ में देना है तो अपना हाथ देना। इस झोपड़े से उठाकर महलों में बिठा दूंगा। थूकती हूँ तेरे महलों पर, थूक। निकल जा यहाँ से वरना टांगे तोड़ दूंगी। साले नालायको, पैसे मेरे से ले तो और हुकुम उसका मानते हो? चाबो बुज़दिल चमचो, फुटो यहां से। अगर दोबारा इस घर की तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं क्यों? बहुत ख्याल है ना अपनी जोरू का, ये मकान खरीद के देना इसे। थू, तू क्या खरीदेगा साला भीख मंगा कहीं का। जीना मुश्किल कर दिया है। खामोश, हटो। हुआ क्या? मैं बताती हूँ फादर, पिछले 20 सालों से मेरे पति इस जमीन की देखभाल कर रहे थे। अब उनके स्वर्गवास के बाद ये लोग चाहते हैं कि हम इस घर को, इस जमीन को छोड़ दें। तुम जाओ यहाँ से, तू भी जा, चल। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं भानु प्रताप से बात करके आपको मुआवजा दिलवा दूंगा। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मारपीट मत किया करो, इन बातों से मुझे सख्त नफरत है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते सेठ साहब। मैंने कितनी बार रूपा को समझाया कि उस जगह को खाली कर दो, लेकिन वो मेरी बात की परवाह नहीं करती है। आप जानते हो क्यों? क्योंकि उसे पीटर की शय है और पीटर को फादर की शय है। तुम ठीक कहते हो, पीटर को हमारी शय है, हम ये जानते हैं। लेकिन एक बात तुम भी कान खोल कर सुन लो, पीटर दिल का बुरा आदमी नहीं है। वो जो कुछ भी करता है दूसरों के लिए करता है, अपने लिए कुछ भी नहीं करता। वो अच्छा होगा आपके लिए फादर, क्योंकि आप उसको पसंद करते हैं। उसने हमारे काम में कितनी रुकावट डाली है फादर। अगर आज के बाद पीटर ने हमारे काम में रुकावट डालने की कोशिश की ना, तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। मिस्टर विक्रम, छोड़िए फादर, ये तो खर दिमाग है, बेवकूफ है, इसकी बात मत सुनिए। आप जो चाहेंगे वही होगा। आइए बैठिए। तू जा विक्रम, जा। आइए फादर, बैठिए प्लीज। मैं चाहता हूं भानु प्रताप जी, क्या आप कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे उस गरीब को सर छुपाने के लिए छत मिल जाए। उसूलन तो गलत है फादर, जमीन हमारी है, हम जमीन के मालिक हैं। अगर हमने किसी को रहने के लिए जगह दे दी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जमीन छुड़ाने के लिए हमें दूसरी जमीन देनी पड़े। भानु प्रताप जी, अगर समुंदर में से एक बाल्टी पानी निकाल लिया जाए तो समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। भानु प्रताप जी, आधे गांव के मालिक हैं आप, 200 गज जमीन देने से आपको क्या फर्क पड़ता है? दुआएं लगेंगी आपको उस गरीब की। आपकी बात मैं कैसे टाल सकता हूं, आप जो चाहेंगे वही होगा। रूपा को मैं किसी और जगह 200 गज जमीन दे दूंगा। थैंक यू। एक बात और फादर, जरा पीटर को समझा दीजिएगा कि वो हमारे बिजनेस में दखलंदाज ना करे। ठीक है, सिर्फ जमीन से क्या होगा फादर, सर छुपाने के लिए एक छोटा सा घर तो चाहिए। घर बना लेगी रूपा, गरीब लोगों के पास खाने के लिए दो वक्त की रोटी तो होती नहीं है, वो घर कैसे बनाएगी? तो तुम चाहते हो कि सेठ खुद रूपा को घर बना के दे? हाँ।
रूपा के घर वालों ने बरसों की मेहनत से वो छोटा सा घर बनाया फादर, और सेठ जी को उस जमीन से लाखों रुपए का फायदा भी तो होने वाला है। वो सब ठीक है पीटर, लेकिन कुछ कायदे कानून भी तो होते हैं। मैं कुछ नहीं जानता फादर, आप किसी भी तरह रूपा को 40-50 हजार रुपए दिलवा दीजिए, वरना रूपा को वहां से कोई भी नहीं हटा सकेगा। उस सेठ से कह दीजिए कि अब वो जमीन को हमेशा के लिए भूल जाए। जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, आज इन्हें फादर को समझा रहा है क्या करना क्या नहीं करना। मैंने फादर से बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि अगर सेठ जी ने तुम्हें 40 हजार रुपए और 200 गज जमीन नहीं दी तो तुम वो जगह खाली नहीं करोगी। मगर पीटर वो बड़े लोग हैं, कहीं कोर्ट कचहरी चले गए तो? उनके पास बहुत दौलत है। तो क्या हुआ, दौलत से आदमी पहलवान नहीं बन जाता। अगर सेठ जी ने उस जगह पर बिना पैसे दिए हाथ डाला तो मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। पीटर तुम मेरी खातिर किस किस से दुश्मनी मोल लेते रहोगे? सारी दुनिया से, सारे जमाने से दुश्मनी मोल लूंगा रूपा। इस दुनिया ने मुझे दिया ही क्या है, नफरत, सिर्फ नफरत। नफरत के सिवा और क्या दिया है रूपा? अगर मैरी और तुम मेरी जिंदगी में नहीं होते तो मैं इस दुनिया को छोड़कर कब का चला गया होता। रूपा के जमीन वाले केस में सेठ भानु प्रताप जी 200 गज जमीन मुफ्त में देने को तैयार थे, लेकिन तुम्हारे बेटे पीटर ने टांग अड़ा दी, उन्हें माना नहीं। उन्हें क्या बोला मालूम? क्या? एक प्याली चाय मिलेंगी। चाय? उन्हें नहीं बोला भाई, मैं बोल रहा हूँ सो। मेरे बेटे के लिए बुरा बोलकर चाय मांग रहे हो? अच्छा बोलते तो कॉफी भी पिला देती। चाय? जय पीटर के बाबा, मैं तो सिर्फ चाय मांगा, साथ में बिस्किट भी मांगने वाला था। मिलेगा मिलेगा, वो भी मिलेगा, लेकिन पहले ये बोलो पीटर क्या बोला? उन्हें बोला खाली जमीन से काम नहीं चलेगा, 40 हजार रुपया भी चाहिए। इस बात पे पीटर का और फादर का झगड़ा और लफड़ा दोनों शुरू हो गया भाई। अयो क्या बोल रहा था रे लाउड स्पीकर, फिर से बोलना। मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा था भाई। फिर यहाँ क्यों आया था तू? मैं तुम्हारे बाबा को काफिन का ऑर्डर देने आया था। किसके लिए? मेरे वास्ते भाई। हाँ? मालूम नहीं पीटर मेरा नंबर कभी आएगा, मैं तो इसलिए एडवांस में ऑर्डर दे दिया ना। पीटर तुम्हारे को देख के मेरे को ये आता, जाऊं? चल निकल। हाँ। ये पीटर का अगर मैं पटरा नहीं किया तो मेरा नाम माइकल। अरे अरे माइकल, इतना गुस्से में क्यों है? क्या बात है? क्या बोलूं मैं, ये पीटर ने मेरे को माइकल से साइकिल बना को रख दिया है। फादर ने पीटर को इतना सर पर चला को रखा है कि पीटर का दिमाग खराब हो गया है। अब मैं उसका ऐसा कचुमर बनाऊंगा, उन्हें भी उम्र भर मेरे को याद रखना। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ? अरे तुम्हारे ही काम में देरी हो गई। मेरे मेरे किस काम से? डैडी से हमारी शादी की बात करनी थी ना। तो बात की तुमने? हाँ। क्या कहा उन्होंने? वो क्या है ना, हर बात करने से पहले ग्राउंड बनाना पड़ता है। और वो ग्राउंड बनाने में सारा वक्त निकल गया। डैडी को काम पे जाना था, वो ऑफिस चले गए, शादी की बात ही नहीं हो पाई। बस तुम सारी जिंदगी ग्राउंड ही बनाते रहना। तुम अपने भैया से जाकर क्यों नहीं कहती कि आकर मेरे डैडी से हमारी शादी की बात कर ले? और वैसे भी लड़की वालों को ही लड़के वालों के घर जाना चाहिए। बाप रे, पीटर से? उसे पता चलेगा तो मुझे गोली से उड़ा देगा। क्यों, मोहब्बत का दुश्मन है वो? हर बात मजाक में ले लेते हो, उसे दौलतमंद लोगों से नफरत है। तो कोई बात नहीं, मैं गरीब बन जाता हूँ। फिर मजाक किया तो और क्या करूँ? कोई रास्ता सोचो ना। ऐसा करती हूँ, मैं फादर से बात करती हूँ। पीटर उनकी बात कभी नहीं टालता, फादर हमारी मदद जरूर करेंगे। तो तुम सेठ भानु प्रताप के बेटे रमेश से प्यार करती हो? जी फादर, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है और हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों, क्यों नहीं हो सकता फादर? कहां तुम और कहां वो? उसके पिताजी इस गांव के सबसे रईस आदमी हैं और तुम्हारे पिताजी एक मामूली कारपेंटर। जमीन आसमान का फर्क है तुम दोनों के खानदान में। मगर आपके यहाँ तो सब एक समान होता है फादर, प्यार की दुनिया में भी सब बराबर होते हैं। फादर अगर आप चाहेंगे तो हमारी शादी जरूर हो जाएगी। प्लीज हेल्प मी फादर, प्लीज। मेरे चाहने पर भी कुछ नहीं हो सकता। सेठ भानु प्रताप और तुम्हारे भाई की एक पल नहीं बनती।
वो इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेंगे। इसलिए तो मैं ये उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ फादर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो दोनों आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। प्लीज हेल्प मी फादर, प्लीज। ठीक है मेरी, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मैं तुम्हारे भाई और रमेश के पिताजी से बात नहीं कर लेता, तुम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलोगे। ठीक है फादर, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। गुड। मैरी, 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 तुम्हें हुआ क्या है मैरी? जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तुम मुझसे दूर चली जाती हो, आखिर ये बेरुखी क्यों? कुछ नहीं रमेश, फादर ने मुझसे वचन लिया है कि जब तक वो मेरे भाई और तुम्हारे पिताजी से शादी की बात नहीं कर लेते मैं तुमसे ना मिलूं। नहीं मिलूं? कितनी आसानी से कह दिया कि नहीं मिलूं। फादर ने तो कभी प्यार नहीं किया ना, इसलिए उन्हें प्यार का अंदाजा नहीं। आज के बाद ये कभी मत कहना कि तुम मुझसे नहीं मिलोगी, वरना वरना क्या कर लोगे? मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं, thank you.
बाबा नहीं कोई करता नहीं, कोई करता नहीं है मोहब्बत। कौन थी बेटे? मैंने पूछा है कि वो लड़की कौन थी। उसका नाम मैरी है डैड। मैरी? किसकी बेटी है? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं साहब, वो अपने गांव का सबसे बड़ा बदमाश पीटर नहीं है, ये मैरी उसी की बहन है। पीटर की बहन? जी हाँ। इसका मतलब तुम जानते हो वो कॉफिन बनाने वाले एंथनी की बेटी है। हाँ डैड, एंथनी की बेटी है, पीटर की बहन है, लेकिन उनसे हमें क्या लेना देना। मेरी बहुत अच्छी लड़की है, आप उससे एक बार मिलकर तो देखिए। मिलना क्या है, सांप के बिल में सपोले ही पैदा हुआ करते हैं, नेवले नहीं। बबुल के पेड़ पर कांटे ही हुआ करते हैं, गुलाब नहीं। लेकिन गुलाब तो कांटों में ही खिलते हैं ना। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता रमेश, मगर बाप होने के नाते मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि तुम अभी नादान हो और नादानी में किए गए फैसलों से जिंदगी भर पछताना पड़ता है, इसलिए उस लड़की को भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। डैड मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता रमेश। डैड प्लीज। फादर। अरे मेरी, तुम क्या बात है? फादर वो आपने शादी की बात मेरे घर वालों से की? ओह मेरी, मैं इन दिनों काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहा, लेकिन तुम फिक्र मत करो,
मैं तुम्हारी शादी की बात बहुत जल्द तुम्हारे भाई से करूंगा। पर फादर, अगर हमारी शादी नहीं हुई तो? मैंने कह दिया ना, मैं शादी की बात करूंगा यानी जल्दी करूंगा। अब तुम जाओ, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर। यहाँ क्यों आई थी? जी वो फादर को कॉलेज के फंक्शन के लिए इनवाइट करने आई थी। इनवाइट करना था तो चर्च में जाती, घर पर जाने की क्या जरूरत थी? फादर चर्च में नहीं थे इसलिए। ठीक है, आइंदा अगर कोई काम हो तो चर्च में मिलना, घर पर जाने की कोई जरूरत नहीं, समझी? चलो जाओ। तुमने सुबह से खाना भी नहीं खाया, अभी तक सोए भी नहीं, क्यों अपने आप को सता रहे हो? डैड, आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैरी के बगैर अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। अगर रमेश के डैडी ने शादी से इनकार कर दिया तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपने प्यार पे मुझे पूरा भरोसा है। मैरी, क्या बात है बेटी? हा? सुबह से खाना भी नहीं खाया और अभी तक सोई भी नहीं? कुछ नहीं मम्मी, बस नींद नहीं आ रही। खाना खा ले और जल्दी से सो जा, बहुत रात हो गई है। ले बेटी ले। कहाँ जा रहे हो बेटे? आपका घर छोड़कर जा रहा हूं मैं। घर? घर छोड़कर? ठहरो रमेश, तू उस लड़की के लिए अपने बाप को छोड़कर जा रहा है, इस घर को छोड़कर जा रहा है जहां तू पैदा हुआ है। हाँ डैड, छोड़कर जा रहा हूं मैं इस घर को, क्योंकि मेरी खुशी अब यहां नहीं, मेरी के साथ है। देखो बेटे, हर माँ बाप अपने बच्चों की भलाई के बारे में सोचते हैं। ये धन, ये दौलत जो मैंने दिन रात एक करके कमाए हैं, सब तुम्हारे लिए बेटे। पापा, आपकी ये धन दौलत तराजू के एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में मेरा प्यार, मेरे प्यार का वजन जरूर आपकी दौलत से भारी होगा। मैं आपसे विनती करता हूँ पापा, मुझे मेरा प्यार दे दीजिए। मैं समझूंगा मेरे पापा ने दुनिया की सारी दौलत मेरी झोली में डाल दी। बेटे, अगर ये तेरी जीत है तो मैं हार गया, तू जीत गया बेटे। पापा, आप? हाँ बेटे। थैंक यू पापा, मैं अभी जाकर मैरी को बताता हूं। अरे हाँ बेटे, सुनो बेटे, मैं चाहता हूं कि शादी होने से पहले तुम अपने पांव पर खड़े हो जाओ। क्यों ना तुम कुछ दिनों के लिए बैंकॉक चले जाओ और वहां हमारी फैक्ट्री की देखभाल करो। बैंकॉक पापा? हाँ बेटे, बल्कि कल ही एक बहुत बड़ा टेंडर खुलने वाला है, मेरी जगह तुम जाकर उस टेंडर को भरोगे। ठीक है पापा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। शाबाश। मैरी, देख तेरा पागल प्रेमी आ गया, जाना। तुम यहाँ क्यों आए? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज रमेश, जाओ यहाँ से। ये क्या जाओ 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 की रट लगा रखी है? मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे सुनो, डैडी ने शादी के लिए हाँ कर दी है। सच? मैं नहीं कहता था डैडी मेरी कोई भी बात नहीं ठुकराएंगे। थैंक गॉड। एक प्रॉब्लम है मेरी, मुझे 10-15 दिन के लिए बैंकॉक जाना पड़ेगा। बैंकॉक? लेकिन क्यों?
डैडी के कुछ ऑफिस का काम है। ओह नो। ओह यस। और 10-15 दिन ही की तो बात है, मैं वहां जाता ही तुम्हें फोन करूंगा। फोन? मेरा मतलब है खत लिखूंगा। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फादर, फादर, ये फादर फादर करके भी क्या मांग रहा है? मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। मैं आपसे रुपया क्या मांग रहा हूँ फादर? मैं तो 100 रुपये मांग रहा हूँ। 100 रुपये? मैं तुझे 1 पैसा नहीं दूंगा। नहीं फादर, इतने कठोर लोगों बनो अपे, अगर अपे कठोर हो गए तो मेरा अंकल जो मर गया उसको कैसे दफनाऊंगा? कैसे दफनाऊंगा? अरे पिछले हफ्ते तेरा अंकल मर गया था, आज ये कौन सा अंकल मर गया? अयो, पिछले हफ्ते जो अंकल मरे थे ना उन्होंने इंजन के ड्राइवर थे, आज जो ताजा अंकल मरे हैं उन्होंने टैक्सी के ड्राइवर थे। अच्छा अच्छा, और जो अगले हफ्ते मरेंगे वो मैं सोच को बताता हूँ। देखो माइकल, तुम ब्रांडी पीने के लिए अपने अंकल को क्यों मारते रहते हो? फादर, गॉड प्रॉमिस फादर, मैं ब्रांडी नहीं पीता। तो फिर क्या पीते हो? मैं तो प्योर ठर्रा पीता हूँ। मैं तुम्हें शराब पीने के लिए 1 दमड़ी नहीं दूंगा। ओ फादर, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए रूपा बंजारन के 40,000 रुपये। गिन लीजिए। गिनने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इन रुपयों से उस लड़की को सर छुपाने के लिए एक छोटा सा घर हो जाएगा। वो सब ठीक है फादर, लेकिन अभी पीटर को समझा देना, कोई लफड़ा नहीं करे वरना ठीक नहीं होगा। तुम लोग हमेशा झगड़े की बात क्यों करते हो, मिलजुल कर क्यों नहीं रहते? हाँ ठीक है, चलता हूँ मैं, पता नहीं कब सुधरेगा। फादर, फादर, आप तो बल्ला के रूपये आ गए आपके पास में, मेरे को 100 रुपया दो ना। ये पैसे मेरे नहीं है, रूपा के हैं, जिस पर किसी का हक नहीं है, समझे? तो मेरी किस्मत में आई, रूपा की किस्मत में नहीं। पीटर, चल आज शहर चलते हैं, वहां तुझे ढाबे में खाना खिलाऊंगी और वो सिनेमा दिखाऊंगी, और वो क्या है ना, वो मेला लगा है ना, मुझे मेला दिखा देना। मुझे मेला दिखा देना? मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कभी उलिया देखा है अपना? क्यों क्यों, क्या कमी है मुझ में? अरे तेरे में क्या कमी है, तू तो सीधा आसमान से जमीन पर टपकी है ना। ओए, वहां सब विलायती मेमे आती है, तेरे जैसे गवार नहीं। बात समझ में आई? तू नहीं समझ सकती। ए पीटर, पीटर रुक ना। ए पीटर, मेला दिखा देना। एक बार बोला ना, नहीं पीछे ही पड़ गई है। ठीक है जाना, मैं भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, अभी दिखाती हूँ रूपा क्या चीज है। मुझको मिला तो दिखला दे अनाड़ी बलमा।
मैदान तो साफ है। चलो बैटिंग करें। ए, ए, क्या बात है? दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? मेरी जान, इसलिए बंद कर रहा हूँ कि मेरे मन का दरवाजा खोल सकूं। मेरी गुलाबों, मुगले आजम के सलीम की तरह मेरी हालत हो गई है। सुकर काटा हो गया हूँ मैं। अनारकली, मत तड़पा अपने सलीम को, मत तड़पा। अनारकली, मत तड़पा। मेरे दिल की प्यास बुझा दे, प्यास बुझा दे। क्या करते हो? मुझे गुदगुदी होती है। जाऊँ, जाऊँ। अकबर, अकबर बादशाह यहाँ कैसे आ गया? अरे, अरे जा कहीं, चुप जा। मैं चुप जाता हूँ, तुम उसको हकाल देना। हाँ, आ जाओ, दरवाजा खुला है। अरे
मेरे मुकद्दर का फैसला सुना दे, मरने से पहले मेरा घर बसा दे। देख तेरा ये हैदराबादी जूलियट तेरे पास आया तो मेरा रोमियो बन जा। क्या क्या मैं सेक्स बदल दिया उन दोनों का? हाँ। अरे बुढ़ाओ अपने उम्र का तो ख्याल कर, कहाँ तू और कहाँ मैं। सांप का क्या बड़ा क्या छोटा भाई, सांप को उम्र की क्या प्रॉब्लम है, सांप तो आखिर सांप होता ना। मैं थोड़े दिन तुम्हारे साथ रह जाऊंगा ना तो मैं भी जवान हो जाऊंगा ना। ये दोनों हाथ तुम्हारे मेरे हाथ में हैं, फिर ये कड़क हाथ किसका है भाई? सलीम का। माय डियर मैरी, तुम वहां मैं यहां, तुमसे कोसों दूर, हर पल तुमसे मिलने को दिल तड़पता रहता है। यहां सब कुछ है, धन दौलत ऐशो आराम, लेकिन तुम नहीं हो ना मेरी, इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बिना मैं बहुत बेचैन हूं। डैडी से बात करके जल्दी ही लौट आऊंगा। तुम्हारा रमेश। तुम्हारे बिना मैं बहुत बेचैन हूं, डैडी से बात करके जल्दी ही लौट आऊंगा। तुम्हारा मेरी की चिट्ठी। डियर रमेश, तुम्हारा पत्र मिला, लेकिन गॉड को कुछ और ही मंजूर है। मेरा भाई विलियम नाम के लड़के के साथ मेरी शादी कर रहा है। मेरे माता पिता भी यही चाहते हैं। मैं मजबूर हूं रमेश, जब तक तुम्हें मेरा लेटर मिलेगा तब तक मेरी शादी हो चुकी होगी। मैरी वेड्स विलियम। अच्छा होगा कि हम दोनों अब कभी ना मिले। तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना। Thank you.
रमेश की? लेकिन मेरी, तुम अपने साथ एक नन्ही जान का खून करने जा रही थी। तो मैं क्या करूं सलमा, मैं दुनिया को क्या जवाब दूं? मेरी, इस दुनिया का जवाब आत्महत्या नहीं, बल्कि तुम्हें दुनिया का सामना करना होगा, मेरे सामना करना होगा। मेरी, फादर के पास जाओ, सब ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा मेरी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है सलमा। अरे क्या बात है मैरी? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? हाँ फादर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है फादर, मैं आपकी बात नहीं रख सकी फादर। फादर, एक दिन अचानक रमेश से मेरी मुलाकात हो गई और मैंने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली फादर। ओह माय गॉड, जो बात मैंने लोगों से छुपा रखी है फादर, वो बात अब ज्यादा दिन छुप नहीं सकती। इस दिन मेरे माँ बाप को पता चलेगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, वो जीते जी मर जाएंगे फादर, सब अनर्थ हो जाएगा, सब ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। आप ठीक कहते हैं फादर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई फादर, मेरे माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए अब मेरे पास एक ही रास्ता है और वो है मेरी मौत। मौत नहीं मेरी, नहीं, आत्महत्या एक बुजदिली है, एक बहुत बड़ा पाप है, और फिर तुम अपने साथ उस बच्चे को भी मारना चाह रही हो जिसका कोई दोष नहीं है। तो क्या करूं फादर,
कितने दिन तक पेट में इस बच्चे को छुपा के रखूंगी मैं? और फिर आप तो मेरे भाई को अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे भाई और भानु प्रताप जी से मिलकर जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी कराने की कोशिश करता हूं। हैप्पी है? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना है। मेरी फादर से कह रही थी कि वो उनके बच्चे की मां बनने वाली है। नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या बात है बेटी, उल्टी आ रही है? कुछ नहीं मम्मी, जरा तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं मम्मी, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। जरूरत नहीं मतलब? बेटी चल अंदर चल, अंदर आ, अंदर चल। क्या बात है बेटी, तुम कुछ छुपा रही हो? चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं साफ साफ, क्या बात है? मुझे माफ कर दो मम्मी, पता नहीं मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ओ जीसस। अरे क्या बात है, कौन मर गया जो इस तरह रो रही हो? हैं हमारे खानदान की इज्जत खत्म हो गई। हम इसकी शादी करना चाहते थे, मगर ये शादी से पहले ये सच है? पहले ही बेटे की करतूत उनसे सर चुका हुआ था, रईस की कसर तूने पूरी कर दी। कौन है वो लड़का, बता दे बेटी। देख बेटे, तू हमको बता दे कौन है वो लड़का, नहीं तो अपना जीना मुश्किल हो जाएगा। बेटे बताना, बोलना, बता। मैं बताता हूं, मैं जानता हूं कौन है वो कमीना। या नहीं, अंदर अंदर जा, तुम अंदर मत आ। क्या हुआ रूपा? पीटर वो रूपा क्या हुआ, बोलो ना क्या हुआ? पीटर, मेरी ने आत्महत्या कर ली। मेरी फादर से कह रही थी कि वो उनके बच्चे की मां बनने वाली है। जय पीटर, ये टमाटर जो तेरा लाल लाल लोगों कहा जा रही। मैं उस फादर फर्नांडिस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हट जाओ। अरे अरे, उन्हें फादर का खून करने को जा रहा है। फर्नांडिस, तू फादर नहीं है। अरे पीटर क्या बात है, तूने मेरी बहन को धोखा दिया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा फर्नांडिस। पीटर क्या कर रहे हो? पीटर आज चर्च का बेल ऐसे कैसे बज रहा है, लगता है कोई खतरा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा फर्नांडिस। तो नहीं हो गए, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझ जैसे आदमी को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है फर्नांडिस। पीटर मैं कहता हूँ, क्या हुआ तुम्हें? पीटर क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में आओ पीटर। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा फर्नांडिस, मैं
तुझे नहीं छोड़ूंगा। अयो अयो फादर फादर, कितना खून निकल रहा है फादर, और मेरे साथ हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। आओ छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे वो कोई फादर वादर नहीं है, वो एक धोखेबाज है, धोखेबाज। फर्नांडिस तू फादर नहीं है, फर्नांडिस मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दुनिया की कोई भी जेल मुझे बंद नहीं रह सकती है जब तक तू जिंदा है। याद रखना फर्नांडिस, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा फर्नांडिस। अरे आपको तो बहुत चोट लगी है फादर। अरे भानु प्रताप जी, आप जानते हैं ये नादान लड़का मुझ पर क्या इल्जाम लगा रहा है। जाने दीजिए फादर, ये तो बहुत ही खर दिमाग और बदतमीज लड़का है। आइए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ, आइए। In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. May the soul of Mary rest in peace. मुझे यकीन नहीं आता कि मेरी ने आत्महत्या कर ली। उसका पोस्टमार्टम करवाया था? नहीं फादर। क्यों नहीं करवाया? वो ऐसा हुआ कि तुम जाओ। वो क्या है कि फादर, मेरी की माँ बाप ने बहुत जिद की कि पोस्टमार्टम ना किया जाए, इसीलिए नहीं किया। आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। अगर दफनाने से पहले पोस्टमार्टम करवा लिया होता तो सच्चाई सामने आ जाती। सच्चाई तो सामने आ जाती, मगर एक कुंवारी लड़की ने प्रेग्नेंट होने की वजह से आत्महत्या की। उसके माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाती, साथ में हमारी भी, इसलिए हम सब ने पोस्टमार्टम करने से मना किया। आपने ठीक नहीं किया। उस वक्त आप भी नहीं थे वहां। हम सब ने मिलकर जो कुछ ठीक समझा वही किया। आप अपना ख्याल रखिएगा फादर, चलता हूं मैं। दस आदमी मारे गए, 12 बलात्कार हुए,
अबे कोने खाली पुकट हेलो हेलो एसपी ऑफिस यस सर देखिए मैं फादर फर्नांडिस बोल रहा हूँ अबे क्यों झूठ बोल रहा है मेरा फादर तो कभी का ऊपर चला गया मैं फादर प्रेम फर्नांडिस अच्छा प्रेम पर गुड मॉर्निंग फादर मैं हेड कांस्टेबल सकरम बोल रहा हूँ क्या मैं एसपी साहब से बात कर सकता हूँ एसपी साहब कुछ काम के लिए बाहर गए हुए हैं मैं तुझे मेरे देश को बर्बाद करने नहीं दूंगा आई विल नॉट अलाउ यू टू स्पॉइल माई कंट्री ले जाओ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अरे भाई साहब गॉड ब्लेस यू आप कैसे हैं मैं ठीक हूं आपने क्यों तकलीफ की मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता आइए आइए ना ये चोट कैसे लगी ये चोट नहीं तुम्हारे भाई के सर पर बदनामी का दाग है ये क्या कह रहे हैं आप खैर छोड़ो इस बात को मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूं हमारे इलाके में एक लड़की की मौत हो गई है लोगों का कहना है कि उसने आत्महत्या की है लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है उसे मार दिया गया है और बिना पोस्टमार्टम किए उसकी लाश को दफना दिया गया है अगर लड़की ने आत्महत्या की है तो भी पुलिस को पोस्टमार्टम करना चाहिए लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे भाई कि तुम आकर उस लड़की का पोस्टमार्टम करवाओ आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा भाई साहब मैं कल ही उस लड़की की लाश को निकलवा कर पोस्टमार्टम करवा दूंगा अच्छा मैं चलता हूं चलिए भाई साहब घर चलकर खाना खा लीजिए ना नहीं इस बार रहने दो बहुत देर हो जाएगी अगली बार जब भी आऊंगा घर चलूंगा मेरी फादर से कह रही थी कि वो उनके बच्चे की मां बनने वाली है याद रखना फर्नांडिस चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा फर्नांडिस सर आप इस शहर के चेयरमैन मिस्टर भानु प्रताप जी आप एसपी अरुण कुमार हाउ डू यू डू नाइस मीटिंग यू ऐसे क्या देख रहे हैं आप
आपकी शक्ल बिल्कुल फादर फर्नांडिस से मिलती है। जी हाँ, वो मेरे जुड़ाव भाई है। अच्छा 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 अच्छा, फादर फर्नांडिस दिखाई नहीं दे रहे। साहब, उन बाजू के गांव में किसी को मिलने गई। फादर के आने तक इंतजार करें क्या? नो डॉक्टर, प्रोसीड, आइए। इंस्पेक्टर, खोदो इसे। कम ऑन। कि यह हालत बनाई है, मैं कसम खाता हूं। तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैरी ने आत्महत्या की? सर, जिस तरह से मैरी की लाश पेड़ से लटकी हुई थी, उसे देखकर कोई भी यही सोचता कि मैरी ने आत्महत्या की। नहीं, तुमने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि मैरी एक गरीब लड़की थी। तुमने इस केस की तहकीकात किए बिना इसे छोड़ दिया क्योंकि मैरी एक गरीब लड़की थी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आत्महत्या करने वाले की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है। जी हाँ, मैं जानता हूँ सर, मगर मेरी के माँ बाप ने मुझसे प्रार्थना की कि हमारी बेटी की लाश की छेड़छाड़ मत कीजिए। हमने बड़े नाजों से पाला है इसे, इसीलिए मैं मजबूर हो गया था। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है तुम किसी और बात से मजबूर हो गए। ऐसा मत कहिए सर। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। सर वो यू मे गो। एसपी साहब, ये देखो, यहाँ जीसस के सामने खड़े होकर फादर सबके लिए प्रे करते थे। आओ साहब, साहब यहाँ बैठ को फादर लिखने पढ़ने का काम करते थे। और साहब, साहब ये सोफे पे बैठ को उन्हें सुबह सुबह चाय पीते थे और अखबार पढ़ते थे। दुनिया भर की खबर उन्होंने निकालते थे। उनको क्या मालूम था कि एक दिन उनकी खबर यहीं से निकलेगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ साहब, उन्हें पढ़ रहे थे अखबार। वो पीटर आको उनको मारा डंडा। सीधी तरह से बता देना कैसे मारा, वरना 6 महीना कड़क और 8 आना फत्ता लगा दूंगा। क्या समझे? बताता हूँ साहब, आप जरा बैठो, मेरे हाथ में डंडा दो, आपको बताता हूँ। बताओ। अरे बंद करो ये सब, क्या तमाशा लगा? चलो आगे बताओ। 6 महीना अंदर कर दूंगा साहब। ये पीछे का वरांडा है साहब, फादर रात का खाना खा को या टहलते थे खाना हजम करने के लिए। सखाराम। यस सर। यहाँ की हर चीज ऐसी रहने दो। यस सर। बाहर का दरवाजा बंद करके सील कर दो। ये अंदर करूं? हेलो एसपी साहब, ठीक है ना मेरा ये गेस्ट हाउस? ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहिए। जी हाँ, मुझे पीटर चाहिए। माँ। पीटर? माँ। पीटर कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ माँ। पीटर, ये क्या हालत बना रखी तूने अपनी?
पुलिस मेरे पीछे है माँ। बेटे कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए। पुलिस आइए साहब आइए। आप पीटर के पिता हैं? जी हाँ। ये कौन है? उसका मदर है साहब। लेकिन ये कॉफिन बॉक्स पे क्यों बैठी हुई है? जिस माँ के बेटे को पुलिस पकड़ के ले गई हो वो कॉफिन पे नहीं बैठेगी तो क्या सोफे पे बैठेगी? I see। मिस्टर एंथनी जी, क्या पीटर की किसी के साथ कोई दुश्मनी? अरे दुश्मनी किससे नहीं है साहब, इसी की वजह से तो उसने फादर को मारा। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं? अरे मैं नहीं, अक्का गांव बोलता है। जब पीटर ने फादर को छड़ी से मारा और पुलिस उसको पकड़ के ले जा रही थी तो वो चिल्ला नहीं रहा था कि फादर को हम जान से मार देगा, जान से मार देगा? कैसे बाप हैं आप? आप खामोश रहिए। मिस एंथनी जी, एक बात बताइए, मैरी की कॉफिन में मैरी की लाश की जगह फादर की लाश कैसे आ गई? साहब अपने को नहीं मालूम? नहीं, मेरा पूछने का मतलब यह है कि क्या पीटर ऐसा कर सकता है? अरे साहब वो तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन साहब एक रिक्वेस्ट है, फादर के खूनी को छोड़िए, अगर नहीं चाहे वो कोई भी हो। फादर बहुत अच्छा आदमी था साहब, बहुत अच्छा आदमी। देखिए आपको पीटर की कोई भी इंफॉर्मेशन हो हमें फौरन इत्तला कर दीजिए। जी साहब। अच्छा माँ मैं चलता हूँ। बेटे कितने दिनों से भूखा होगा तू, चल कुछ खा ले। ये तू मेरे हाथ से खा। तू चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन। नहीं, मैंने फादर का खून नहीं किया। तू चल, तेरे को जो कुछ बोलना है उधर बोलना, चल के। मैंने फादर का खून नहीं किया, आप मेरा यकीन कीजिए, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपका बेटा हूं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने किसी का खून नहीं किया। तू चल। नहीं। रूपा, फादर फर्नांडिस मर्डर केस के बारे में जो कुछ जानती हो साफ साफ बताओ। मैं कुछ नहीं जानती साहब। देखो अगर तुम नहीं बताओगी तो हम यही समझेंगे कि तुम भी मर्डर में शामिल हो। ये क्या कह रहे हैं साहब, उनके लिए तो ऐसा सोचना भी पाप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम फादर फर्नांडिस को जानती हो? हाँ, उनको कौन नहीं जानता साहब, इंसान तो क्या, यहाँ के पेड़ पत्तों से भी पूछेंगे ना तो वो भी बोल उठेंगे कि हम फादर को जानते हैं। वो बड़े अच्छे इंसान थे साहब, मगर मगर क्या? मगर कभी कभी अच्छे इंसान से भी गलती हो जाती है साहब। साफ साफ कहो तुम कहना क्या चाहती हो। वो हुआ यूं कि मैं अपना पैसा लेने फादर के घर गई, वहां मैंने देखा कि मैरी फादर के साथ बात कर रही है। उनकी बात सुनकर तो मेरा कलेजा ही बैठ गया। फिर कह रही थी कि वो माँ बनने वाली है। मगर बच्चा किसी और का भी हो सकता था। हो सकता था, पर जिस तरह से वो एक दूसरे से बात कर रहे थे उससे तो यही लग रहा था कि फादर और मैरी। Shut up! इधर आओ। तुम्हारा पीटर के साथ क्या संबंध है? हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। मतलब? शादी करने वाले हैं। ओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि पीटर ने फादर को मारने से पहले तुम्हें बताया होगा कि... साहब आप ये गोलमाल बात मत कीजिए, पीटर फादर को क्यों मारेगा? इसलिए कि तुमने पीटर को फादर और मैरी के बारे में बताया होगा और पीटर ने गुस्से में आकर फादर का खून कर दिया। साहब ये बात जरूर है कि पीटर को बहुत गुस्सा आता है, मगर मेरा दिल कहता है कि उसने फादर का खून नहीं किया। पीटर कहाँ है? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पीटर कहाँ है, एक बार मुझे उसे मिलवा दीजिए तो मैं उसे समझाऊंगी कि इस तरह पुलिस से भागते फिरोगे तो पुलिस तो यही समझेगी
कि तुमने ही फादर का खून किया है। ठीक है, तुम जा सकती हो। अच्छा, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। साहब, मेरी बात सुनो। साहब, ये पुलिस की नौकरी भी बहुत पावरफुल है साहब। इतना सा आदमी है, मुंह से बात नहीं करता, हाथ से बात कर रहा है। अगर मुंह से बात किया ना तो 6 महीना कड़क और 8 आना भत्ता लगा दूंगा। मालिक, इसका भत्ता निकाल। सकाराम, ए सर, इधर आओ। तुम जाकर रूपा पर नजर रखो, पीटर उससे मिले जरूर आएगा। यस सर, तुझे बाद में देख लूंगा। तुम फादर फर्नांडिस के यहाँ क्या करते थे? मैं साहब, मैं उनकी गुलामी करता था साहब। क्या मतलब? साहब वो क्या है, मैं सुबह उनको नाश्ता दे को उनको उठाता था, रात को उनको खाना खिला को उनको सुलाता था, अखा दिन में उनकी खिदमत करता साहब, और ये चर्च का घंटा भी मैच बजाता था। कब से करते हो ये काम? बचपन से करता हूँ साहब, मैं तो खानदानी घंटा बजाऊं। फादर से कोई लड़की मिलने आती थी? बहुत सारी लड़कियां मिलने को आती थी साहब, लंबी नाटी गोरी दुबली, कुछ लोग तो कन्फेशन के लिए आते थे और कुछ लोग प्रेयर के लिए। मेरी नाम की कोई लड़की आती थी? मेरी साहब, जितनी भी आती थी उसमें आधी तो मेरी थी। क्या? मेरा मतलब है उनका नाम मेरी था साहब। मेरा मतलब है उस मेरी से जिसने खुदकुशी कर ली। अयो, वो मेरी साहब, वो तो दिन में भी आती थी और रात में भी आती थी। ठीक है, जाओ ऐसे। आदाब आदाब। ये क्या एसपी साहब, एक चट्टान जैसे पुलिस अफसर की आंखों में आंसू। शरीर पर जब चोट लगती है तो घाव भर जाता है, मगर जब दिल पर चोट लगती है तो घाव नहीं भरता। मैं आपके दर्द को अच्छी तरह समझता हूं, मगर होनी को कौन ठान सकता है? कोई मेरे देवता जैसे भाई पर कीचड़ उछाले, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या कुछ नहीं था हमारे घर में, धन दौलत इज्जत शौहरत सब कुछ था, एक से एक अच्छी लड़की का रिश्ता था मेरे भाई के लिए, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग कर संन्यास ले लिया, फादर फर्नांडिस बन गए। ऐसे इंसान के लिए आपके गांव वाले कहते हैं कि मैरी के साथ उनके गलत ताल्लुकात थे। ठीक ऐसा सुनने और कहने से पहले ये जमीन और आसमान फट क्यों नहीं गए? लोगों का क्या है, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। लेकिन भानु प्रताप जी, मैं अपने भाई के हत्यारों को ढूंढ निकालूंगा, उनका वह हश्र करूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, ऐसे हत्यारे को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए, और मैं इस बात पे यकीन करता हूं कि उसको सजा मिलेगी। चलिए खाना खा लीजिए, सकाराम बोल रहा था कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आइए। बादाम नो लाते कते संदूक में। माइकल, वो फादर को मैंने 40,000 रुपए रूपा के लिए दिए थे। दिए होंगे भाई, मेरे को क्या है? इसलिए कि वो रुपए रूपा को मिले नहीं। तो तुम्हें जाकर फादर से पूछो जी। ए माइकल, ज्यादा शान पट्टी नहीं, वरना मैं है ना। समझ गया मैं तुम्हारे मई को समझ गया भाई। जय सेंडो भाई, तुम्हें चलो आगे, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। चल। चलो दरवाजा खोलो। अयो, आगे के दरवाजे को सील है और पुलिस का पैरा है, अगर मैं खोलूंगा पुलिस को मालूम पड़ेगा तो वो लगा मेरी टांगे तोड़ देंगे। अरे भैया, आगे के दरवाजे पे सील है ना। हाँ। तुम एक काम करो, पीछे का दरवाजा खोलो, बाकी की जिम्मेदारी मेरी है। साहब, पीछे का ठीक है, लेकिन पीछे का खोलने के लिए थोड़ा लगता ना। अब तो खोलोगे? खोलूंगा क्या साहब, दरवाजा तोड़ को देता हूँ हाथ में, आओ मेरे साथ। साहब,
अच्छी है ये अलमारी। अल्लू जी आवाज देखो करो, चाबी कहाँ है? जरा जोर से बोलो जी। अबे चाबी कहाँ है? मेरे को मालूम है कि फादर चाबी कहाँ रखते थे। ये तकिए के नीचे चाबी है। चल बता। ये तकिए, अयो गए, चाबी कहाँ है जी? माइकल चाबी कहाँ है? अरे मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ कि चाबी यहाँ है। चाबी सर जी, ए, कौन है? विक्रम सर जी। क्या हुआ? मैंने अभी फादर का भूत देखा सर जी। पागल हो गया तू? हाँ सर जी सच, फादर का भूत मैंने देखा। यू ऐसा पापी इंसान भूत बन सकता है, लेकिन देवता जैसे फादर भूत नहीं बन सकते। सर जी कसम से मैंने हाथ में चाबी देखी सर जी, फादर के भूत के। अरे तूने सपने में देखा होगा, जा जाकर सो जा। सर जी अब जाओ, इधर यहाँ जाओ, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। नींद आराम कर दी, शराब पी के सोया होगा फिर सपना देखा होगा। माइकल। जी साहब। मैं तुम्हारी खाल उधर दूंगा, सच सच बताओ पिछला दरवाजा किसने खोला? साहब अगर मैं किसी को देखता था तो आपके सामने पकड़ को लाता था ना। बकवास बंद करो, तुम्हारे अलावा यहाँ और कौन आ सकता है? आ सकता है साहब, फादर फर्नांडिस। क्या साहब, मैं उनका भूत यहाँ देख को हूँ। यहाँ नहीं, मेरा मतलब है मैं चर्च में देख को हूँ उनका। शट अप, पूरे घर की तलाशी लो। तुम दोनों उधर जाओ, तुम इधर। यस सर। और तुम आओ मेरे साथ। अगर कुछ हाथ लग गया तो 6 महीना कड़क और 8 आना फत्ता, नहीं लगाया तो मेरा नाम सकाराम ढोंडू दांडेकर नहीं। भूत भूत अरे ये तो मैं हूं, मैं क्या भूत जैसे लगता हूं? इस कबाट की चाबी कहाँ है? ओ चाबी मेरे पास नहीं, भूत के पास है। नहीं वो तकिए के नीचे नहीं हुई हुई हुई। तुम जा सकते हो, जाओ। सर वहां तो कुछ भी नहीं मिला। सर ये क्या है? ऐसा कैलेंडर कहीं देखा है पर याद नहीं आ रहा कहां देखा है। कहां देखा है? Yes, I got it. फादर की अलमारी में मिले हुए रुपए इसी कागज में लिपटे हुए थे। हाँ। इसका मतलब है कि यहाँ का वहां से कोई संबंध जरूर है। सेठ जी मेरे को भूत से बचा लो सेठ जी, नहीं तो मैं खाम खा का मर जाऊंगा। माइकल खाम खा तुम लोगों को वहम हो गया है, भूत ऊत कुछ नहीं होता है। सेठ जी मैं मेरी अंखियों से देखा हूँ और वो सैंडो मेरे साथ में देखा। सेठ जी अगर तुम दोनों को दिखाई देता है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? सबसे पहले तो मुझे दिखना चाहिए था क्योंकि मैं फादर के बहुत करीब था। घबराओ नहीं, मैं हूँ ना, कोई भूत ऊत नहीं है। आप हमारे साथ है साहब, तो मेरे को डर किस बात का? माइकल क्या हुआ तुम्हारी आवाज? क्या हुआ? हुई
शिजी क्या हुआ शिजी बचाओ। लगे ना आप घबरा हुए, कोई आया था क्या? हाँ, फादर आए थे। फादर आए थे, क्या बोल रहे थे? फादर फर्नांडिस का भूत आया था। फर्नांडिस का भूत, 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 बचाओ, बचाओ। पहले आया था, अभी चला गया। चला गया? अच्छा हुआ, लेकिन ऐसे कैसे चला गया? आप तो जिंदा है। चुप कर। वो क्या है, भूत जब आता है ना तो जान लेकर ही जाता है। अच्छा? हमारे गाँव में पीपल का पेड़ है। सकाराम, भूत है। भुआ, 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 भुआ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, शेख जी कह रहे थे उन्होंने अभी अभी फादर का भूत देखा। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ये कह रहे हैं। ये सच है एसपी साहब, मैंने अभी अभी फादर का भूत देखा है। ये आपका भ्रम है, फादर का भूत आपके पास क्यों आएगा? आपकी फादर के साथ क्या दुश्मनी थी? मेरी फादर से क्या दुश्मनी हो सकती है? बल्कि फादर फर्नांडिस तो मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, हो सकता है उनको मेरी याद आ गई हो और मिलने चले आए हो। पर आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? कमाल कर रहे हैं आप भी, भूत को देखकर कौन नहीं घबराएगा। खैर आप मत घबराइए, मैं सकाराम को यहाँ छोड़कर जाता हूँ। सर, मुझे पीटर को पकड़ने जाना है, आप रुकिए ना यहाँ पे। सकाराम, समझ गया मैं, मुझे मरना है तो यही पे मरना है, लेकिन सर आपका पिस्तौल दे दीजिए ना, मरूंगा तो किसी को मार के मरूंगा, छोड़ूंगा नहीं भूत को, 6 महीना कड़क और 8 आना फत्ता लगाऊंगा। उधर उधर घबराइए मत, नहीं 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 कहीं जाना नहीं, बैठो उधर, हिलना नहीं। मैं क्या हिल रहा हूँ? ओ हाथ हिल रहा है, जरा देखना इसमें गोली वोली है कि नहीं। देखता हूँ। नहीं उधर। रूपा, तुम सोचती हो कि फादर को मैंने मार डाला? तो फिर किसने मारा फादर को? यही सोच सोच के तो मैं परेशान हूं, लेकिन फादर की मौत से एक बात साबित हो जाती है कि मैरी की आत्महत्या फादर की वजह से नहीं हुई है, इसके पीछे जरूर एक बहुत बड़ी साजिश है। रूपा, मैरी और फादर के कातिलों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा मैं उन्हें। ए, यहां पीटर आया था, यहाँ पीटर आया था। एक तरफ रख अपने डंडे को, घड़ी घड़ी बजाते रहता है। डंडा बजाए बिना मानती नहीं तू। ए, कुछ नहीं रखा तेरे डंडे में। मेरे आप बड़े बड़े आए डंडे लेकर, आए और चले गए। डंडा छोड़ के? नहीं, तोड़ के। देख, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला, नहीं तो मैं अनर्थ कर दूंगा। ए, यहाँ तेरी कोई दाल निकलने वाली है, अब आ ही गया है तो एक पैर टिका के जा। हाँ, अपने हाथों से पिलाएगी क्या? नहीं, मुंह से। अरे मेरी गुलाबो, मेरी बात सुनना। ए, बाकी कोई नहीं सुनना, अंदर कर दूंगा। क्या? तुझे नहीं, तू सुनना। गुलाबो, मेरे बगीचे में आकर अपना गुलाब खिला देना, मैं तेरी लाइफ बना दूंगा। कौन है बे? मैं ड्यूटी पे हूँ, अबे कौन है बे? जय, मैं घंटा हिलाऊ हूँ भाई। तुम्हें किसकी लाइफ बना रहे थे? मेरी वाइफ की। तुम्हारी वाइफ की? अच्छा अच्छा, गुलाबो इन्हें तुम्हारी लाइफ बनाना मांगता था, इसकी बातों में नहीं है ना तुम्हें, ये तुम्हारे परा नोच को मार्केट में बेच डालेंगे इन्हें। ये आदमी अपने बाप का नहीं हुआ तो अपनी अम्मा का कैसे होएगा? देख, तू पुलिस का मजाक कर रहा है, मैं तुझे 6 महीना कड़क और 8 आना भत्ता लगा दूंगा। रे हवलदार, ये तेरा 6 महीना कड़क और 8 आना भत्ता जो है ना, उसकी बत्ती बना को अंदर डाल। क्या? तेरी जेब में भाई। तेरे को वो 8 आना चाय पीने को आएगा काम में। तू पुलिस का मजाक कर रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे अंदर कर दूंगा, मुझे छोड़ूंगा नहीं। हवलदार, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हवलदार नहीं, लाइन बंद कर, जज की घंटा बजा। ए पीटर, 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 पीटर कहाँ है? पीटर है, पीटर कहाँ है? पीटर कहाँ है? अरे यहाँ नहीं बे, वहाँ बाहर। पकड़ता हूँ, अभी पकड़ता हूँ। देख, मैं अभी पीटर को पकड़ता हूँ, बाद में तुझे हिटर मारता हूँ, तब तक तू लाइन नहीं मारना, समझे? अभी आया गुल्लू। गुल्लू, तुम्हें सच्ची का पीटर को देखे क्या? पीटर यहाँ आता क्या? आता या नहीं आता, तेरा चेहरा क्यों उतर गया रे? अरे मेरा चेहरा क्यों उतरेगा भाई, मैं पीटर से नहीं डरता, मैं अभी जाकर उसको पकड़ को आता हूँ। जो देखो, पीटर को ही पूछता है, पीटर को ही ढूंढता है। पीटर? हाँ, कौन पीटर? अरे मैंने तो तुझे ही पीटर समझ लिया। ओ क्या, मैं दिन रात में पीटर को अरेस्ट करने के बारे में सोचता हूँ ना, तो हर आदमी मुझे पीटर ही लगता है। अगर तुम्हें कहीं पीटर का पता चले तो मुझे बता देना प्लीज। ओ क्या, मेरी तरक्की हो जाएगी, मैं हेड कांस्टेबल से कांस्टेबल नहीं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। ठीक है, मैं तुमको पीटर का पता जरूर बता दूंगा, और हाँ,
पीटर के हाथों में हथकड़ी भी तुम्हारे हाथों से लगवा दूंगा। थैंक यू। ठीक है, एसपी साहब कहाँ है? अंदर है। एक मिनट, तू कौन से पुलिस स्टेशन से आया? लालनाका पुलिस स्टेशन। हाँ, लालनाका पुलिस स्टेशन है कहाँ? मुझे क्या करना है, मुझे तो पीटर को पकड़ना है। पीटर! अरे सखाराम, एक गिलास पानी लेकर आना। कौन हो तुम? एसपी साहब, वो पीटर मैं ही हूं जिसकी आपको तलाश है। घबराइए मत, मैं आपको मारने नहीं आया, सच्चाई बताने आया हूं। हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि तुम कानून से भागे हुए मुजरिम हो। सच्चाई ये है कि तुमने फादर का खून किया है। ये सच है कि मैं कानून से भागा हुआ मुजरिम हूं, मगर यह सरासर गलत है कि मैंने फादर का खून किया है। मैंने फादर का खून नहीं किया एसपी साहब, मैंने फादर का खून नहीं किया। अगर तुमने फादर का खून नहीं किया है तो तुम कानून से क्यों भाग रहे हो? इसलिए कि कानून मेरी बहन के कातिलों को नहीं पकड़ पाएगा, कानून फादर के कातिलों को नहीं पकड़ पाएगा। तुम्हारा मतलब है कि तुम कातिलों को पकड़ लोगे? यही तो कहने के लिए मैं आपके पास यहां आया हूं। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं उन दोनों के कातिलों को पकड़ के आपके हवाले कर दूंगा। कानून इतना अपाहिज नहीं है कि तुम जैसे मुजरिमों का सहारा ले। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम वाकई बेकसूर हो तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एसपी साहब, मैं आपकी इज्जत सिर्फ इसलिए करता हूं क्योंकि आप फादर फर्नांडिस के भाई हैं और एक अच्छे इंसान। मैं जा रहा हूं एसपी साहब, मगर जाने से पहले आपसे यह कह देना चाहता हूं, मैं उन लोगों को बर्बाद कर दूंगा जिन्होंने मुझसे मेरी बहन और फादर को छीना है। उन्हें मारकर मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। आपके रिवॉल्वर में गोलियां नहीं है। रूपा, रूपा, दरवाजा खोलो रूपा। पीटर? ए रूपा, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? पुलिस ने मुझे हर गुनाह से बरी कर दिया। सच? सच। तेरे नैनों में, नैनों में तेरे नैनों में, डूब गए मेरे नैन सजन तेरे नैनों में, डूब गए मेरे नैन सजन तेरे नैनों में, दिल को चैन सजन तेरे नैनों में, डूब गए मेरे नैन सजन तेरे नैनों में, डूब गए मेरे नैन सजन तेरे नैनों में, डूब गए मेरे नैन सजन तेरे नैनों में, आए दिल को चैन सजन तेरे नैनों में।
तेरे नैनों में। दर्द रुकता नहीं एक पल भी, इश्क की ये सदा कह रही है। मौत से पहले ही मर गए हम, चोट नजरों की ऐसी लगी है। सजनी तेरे नैन समंदर, प्यार के मोती जिनके अंदर, सजन तेरे नैनों में, सजन तेरे नैनों में, सजन तेरे नैनों में, डूब गए मेरे नैन, सजन तेरे नैनों में, डूब गए मेरे नैन, सजन तेरे नैनों में। दिल में भी तेरी चाहत कल से भी मुरझाता है, तुमको मैं ना भूलूंगा, दिल से मेरा वादा है। कहती है कि फादर का खून आपने किया। नहीं, फादर का खून मैंने नहीं किया, ये सब बिल्कुल बकवास है। लेकिन जब मुझे पता चला, मैरी फादर से कह रही थी कि वो उनके बच्चे की मां बनने वाली है। क्या मैरी के पेट में फादर का बच्चा? इसलिए मैंने फादर पर हमला किया था,
लेकिन वो बच गए। बाद में किसी और ने उनका खून कर दिया। पर मेरी के पेट में फादर का नहीं भैया, रमेश का बच्चा था। क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ भैया, मेरी रमेश से प्यार करती थी, रमेश ने शादी का वादा करके उसे धोखा दे दिया। इसका मतलब है रमेश को निगार है। मैं उस धोखेबाज को कभी नहीं छोड़ूंगा। पीटर क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे पीटर, छोड़ो मुझे। क्या बात है पीटर? कहाँ है तुम्हारा बेटा? बुलाओ उसे। क्यों, क्या किया उसने? मेरी बहन की जान ली है उसने। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरा बेटा तो 2 महीने से हिंदुस्तान के बाहर है, वो तुम्हारी बहन को कैसे मार सकता है? प्यार के सपने दिखाकर। अरे क्या कर रहे हो तुम? याद रखना भानु प्रताप, मैं तुम्हारे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। अरे छोड़ो मुझे, पुलिस हलदार बात कर दूंगा। हलदार याद रखना। क्या हुआ जी? पीटर आया था क्या? कहाँ गया, भूल के गया? आप घबराएं मत, मैं अभी पीटर को हीटर लगाता हूँ। पीटर या क्यों डर? बहुत दौड़ा दौड़ोगी, थोड़ी रेस लेंगे, रेस। पीटर भाग गया तो भागने दो। पीटर भाग गया, मैं उसे हीटर लगाऊंगा। कहाँ है पीटर? पीटर इधर 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 इधर। एक्सक्यूज मी, आपने पीटर को देखा क्या? नहीं देखा। नहीं देखा, खाली पकड़। पीटर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पीटर, मैं तुझे हिटर लगाऊंगा। मुझे हिटर लगा के भाग गया। तुम इधर जाना, उधर जाना, मैं इधर ही रहता हूँ। जानता है तू, तेरी नीच और गरीबी हरकत की वजह से मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या नहीं की, मार डाला किसी ने मेरी को। मेरी को मार डाला? मगर कौन, कौन मार सकता मेरी बहन को? कौन मार सकता मेरी बहन को? विक्रम, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूं पीटर। बैंकॉक से लौटने के बाद मैं सीधा तुम्हारे घर जा रहा था मैरी से मिलने। रास्ते में मैंने देखा मैरी। मैरी, 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 जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को यहां बंधा हुआ पाया। तब से यहीं बंधा हूं। मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विक्रम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। Thank you.
तो मेरी वादा किया था तुमने जिंदगी भर साथ निभाने का, फिर क्यों मुझे छोड़कर चली गई? आखिर मेरा कसूर क्या था? बोलो मेरी, तुम जवाब क्यों नहीं देती? मेरा कसूर क्या था? बोलो मेरी, बोलो। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा, तू किसी और से मिलने अंदर जाओ और अपना बस मिल लो, मैं यहां पर ध्यान रखता हूं, अगर पुलिस आई तो मैं आवाज दे दूंगा। हां सुनो, आंखें खोलो, देखो पीटर आ गया। मैं आ गया, आंखें खोलो बाबा, मैं आ गया बाबा। मुझे मालूम है बाबा, आप उससे नाराज हैं, जिंदगी भर नाराज रहे हैं, लेकिन बाबा मैंने जानबूझकर जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से आपका दिल दुखे। फिर भी अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखा हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूं बाबा, बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, भाग जा बेटे, भाग जा बेटे, भाग जा, जा यहाँ से, जा। पीटर, पीटर,
पीटर पर गोली क्यों चलाई? क्यों मारना चाहते थे उसे? वरना वरना वो मुझे मार डालता सर। इसलिए कि तूने उसकी बहन का खून किया? नहीं सर, सर मेरी का खून मैंने नहीं किया सर। झूठ मत बोल, सच सच बता, शायद मैं तुझे बचा लूं, वरना फांसी का फंदा तुम्हारे गले में होगा। बोल, बता दो सर, सर मैंने खून नहीं किया सर। एक एक रात की बात है सर। ये लो 50,000 रुपए और जाकर किसी लड़के से शादी कर लो। रमेश को हमेशा के लिए भूल जाओ। मुझ पे नहीं, अपने खानदान के होने वाले वारिस पे तरस खाइए सेठ जी। मेरी कोख में आप ही के खानदान का खून है। झूठ बोल रही तुम, झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं कह रही सेठ जी, ये बच्चा रमेश का ही है। ये लो अपनी कीमत, फिर कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाना। दफा हो जाओ यहाँ से। चाहिए मुझे पैसे, मुझे सिर्फ रमेश चाहिए। रमेश तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। सेठ जी, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं दुनिया के हर अदालत का दरवाजा खटखटा दूंगी, समझे आप? विक्रम, ये लड़की एक नाजायज बच्चे की मां बनने वाली थी, समाज के डर से इसने आत्महत्या कर ली। सर मैं बेकसूर हूं सर। तुम ये भी जानते हो कि फादर का खून किसने किया? सब फादर का खून किसने किया बताओ। सब मैं बताता हूं, सब मैं बताता हूं। भानु प्रताप साहब। विक्रम, 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 yeah।
मत पीटर, मत मारो इसे। मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरी बहन की जान ली है। इसने सिर्फ मेरी को ही नहीं मारा, इसने फादर का भी खून किया है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर तुम फादर का भूत देखकर उस रात बेहोश क्यों हो गए थे? जिस रात मैं तुम्हारे घर आया था फादर का भूत बनकर। वो तुम थे? हाँ मैं। अगर जीना चाहते हो तो सब कुछ साफ साफ बता दो। बता, वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैं मजबूर था एसपी साहब, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। प्रताप, ये सब क्या हो रहा है? मुझसे गलती हो गई फादर, मेरे हाथ से मैरी का खून हो गया, मुझे माफ कर दीजिए फादर। तुम्हारे पाप को तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। मुझे तो तभी शक हो गया था जब तुम पोस्टमार्टम की बात कर रहे थे। फादर माफ कर दीजिए मुझे, आपकी और मेरे बहुत पुराने जान पहचान है, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए मुझे। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, चले जाओ यहां से, जाओ। मेरे ना चाहते हुए भी मुझसे यह हादसा हो गया एसपी साहब। रमेश, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया, जान से मार डालूंगा तुम्हें भी। तुम उसे संभालो। रमेश, तुझे कुछ नहीं होगा। रमेश चल मेरे साथ। मेरा इंतजार करिए पीटर। रमेश, ऊपर वाले की अदालत ने इसे सजा दे दी। चलो